हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो में सबका स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो मार्केट है, ये जो डिमांड है जिसका इस चीज़ का बहुत हाईली डिमांडेबल है। ठीक है, मतलब इसका ग्रोथ रेट बहुत हाई है अभी तक अर्बन गार्डन के लिए, गार्डनिंग के लिए। सो आज के इसका जो पूरा चीज़ है, किससे बनता है, कैसे बनता है, आप खरीदने जाओगे तो कैसे खरीदने जाओगे, कैसे इसका मेंटेनेंस करोगे, कितना टाइम इसका लाइफ स्पैन कितना है, सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करूँगा आज। क्योंकि मुझे जब रिसर्च करने गया यूट्यूब में, इसमें प्रॉपर कोई वीडियो नहीं है। ठीक है, सो मैं आपको इसका फुल डिटेल्स जो है, इन्फॉर्मेशन जो भी है, मैं आपको दूंगा। अगर आप इसके ख़रीदना चाहते हो तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक में रह गया हुआ लिंक में आप क्लिक कर सकते हो। और इसका जो डिस्काउंट है ना, वो बहुत कम है। मतलब आप पूरा ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, हम जो डिस्काउंट में एग्रो प्लाजा जो डिस्काउंट में इसे दे रहे हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया प्राइस में आपको हम इससे ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये चीज़ कैसे बनाया गया है, आप कैसे बनाओगे ये सब कुछ। ठीक है, तो फिर हम शुरू करेंगे कि इसका जो साइज़ है वो कैसा कैसा है, और किस किस प्लांट के लिए कौन सा आपको ग्रोबैक लगेगा। ठीक है, पहले ये जो है ये 9x12 है, मतलब इसका जो डेप्थ है यहाँ से लेकर अंदर तक वो 12 इंचेस का है, और इसका जो राउंड है वो आपका 9 इंचेस का है। ठीक है, ये भी 12x9 है, 9x12 है, ये भी 9x12 है, ये दोनों। अच्छा, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब इसके अंदर क्या क्या कर सकते हो, कोई सा भी आप फ्लावर है, फ्लावर का जो प्लांट होता है, फूल का जो प्लांट होता है, कोई भी इसमें आप प्लांट कर सकते हो। ठीक है, और कुछ सब्जियाँ भी होते हैं जिसमें कम स्पेस लगता है, उसका डेप्थ रूट डेप्थ ज़्यादा लगता है, और सब्जियाँ का जो स्पैन है, मतलब आप क्यूकम्बर पकड़ लीजिए, जो खीरा होता है उसको, बिटर गोर्ड होता है उस पर, वो आप कर सकते हो ईजिली है इसके अंदर। अगर आप शौकीन हो तो इसके अंदर आप आलू भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये गया फ्लावर्स के लिए। और छोटा छोटे कोई भी सब्जी है यहाँ पे जिसका प्रोडक्शन आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा होगा तो आपको हो जाएगा, उसके लिए आप बेटर। दूसरा जो इसका बड़ा साइज़ है ये वो है कि 12x12, मतलब इसका जो राउंड है वो भी 12 है, इसका जो डेप्थ है वो भी 12 है। ठीक है, इसके लिए आप मैं मतलब इसके लिए एकदम परफेक्ट है जो बैंगन होता है, ब्रिंजल। ठीक है, वह एक प्लांट बैंगन, वो बहुत बढ़िया होगा। इसके बाद आप इसके अंदर लौकी दे सकते हो, उसका भी रिजल्ट इसमें मतलब बढ़िया आएगा। ठीक है, इसके अंदर आप मल्टी क्रॉप भी दे सकते हो। ठीक है, एक क्रॉप से भी ज़्यादा, मतलब दो या तीन क्रॉप भी इसके अंदर दे सकते हो, बहुत बढ़िया है, इसका जो रिज़ल्ट है बहुत बढ़िया है। सो ये होगा आपका 12x12। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर इसका जो साइज़ है यहाँ से लेके इतना तक वो 24 इंचेस का है, यहाँ से लेके इतना तक वो 12 इंचेस का है, और इसका जो डेप्थ है, मतलब इससे लेकर यहाँ तक इसका जो डेप्थ है वो 24 इंचेस का है। इसके अंदर आप लीफी वेजिटेबल्स कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर आप धनिया, पुदीना, पालक, उसके साथ साथ इसके अंदर आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हो कि मूली, गाजर, बीट, ये सब प्लान कर सकते हो। अच्छा, इसको बारे में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। ये भी एक राउंड शेप का, ये 18x6 का है, मतलब इसका जो स्पैन है ना, ये जो स्पैन है ये 18 इंचेस का है, और इसका जो डेप्थ है वो 6 इंचेस का है। इसमें भी आप लीफी वेजिटेबल्स जो है उसको आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप सब्जियां भी कर सकते हो, जो भाजी का सब्जी होता है वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब इसको अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको करना पड़ेगा, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आपके हिसाब से भी गार्डन डिज़ाइन कर सकते हो, प्लांट को डिज़ाइन कर सकते हो, आपके ऊपर। अच्छा, ये जो है ये हम फ्रूट के लिए कहते हैं, इसका जो साइज़ है वो 15x12 है, मतलब इसका जो जो राउंड शेप है ये 15 का है, और इसका जो डेप्थ है वो 12 इंचेस का है, इसका जो डेप्थ है वो 12 इंचेस। इसके अंदर कोकोपीट ने भर के रखा है, सो हम कोकोपीट भी बेचते हैं, ब्लॉक आता है 3.5 से 4 kg का एक ब्लॉक आता है, बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, अच्छा, और एक बात आपको बताना था कि ये जो चीज़ें हैं इसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 10 पीसेस है हम लोगों के लिए, और शिपिंग चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा पड़ेगा। इसके सिवा जो और है कि हम ऑफर प्राइस में इसका दाम बहुत कम है, मतलब मैं आपको बता सकूँ कि आप
पूरा ऑनलाइन, मतलब जो साइट से आप खरीदते हो गार्डनिंग का चीज़, दो ही इंडिया के अंदर रैंक है, दो ही ई कॉमर्स रैंक है जहाँ से ज़्यादातर लोग खरीदते हैं। उसके साथ अगर टैली करोगे हम लोगों का जो साइज़ है और जो प्राइस है, बहुत ही कम पड़ेगा। मतलब सोच नहीं सकते हो कि इतना कम। आपको अगर अच्छा लगा तो आप हमसे खरीद के भी आपका खुद का जो स्टोर है स्टार्टअप है वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। फुल सपोर्ट हम लोग देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो ये ग्रो बैग ऊपर था कि कैसे क्या होगा। उसके बाद मैं जो बताऊंगा कि आप इसे कैसे लोगे और कैसे समझो कि ये क्वालिटी अच्छी है। अच्छा ठीक है, तो चलिए अब देख लीजिए कि ये जो है ये दो कलर में अवेलेबल है। वो है कि एक बाहर जो है वो ग्रीन है, अंदर ऑरेंज है, और एक कलर भी है वो बाहर ग्रीन है अंदर वाइट है। वो थोड़ा सा कस्टमाइज है, उसका प्राइस थोड़ा सा हाई है। वो अभी तक हम रिव्यू के अंदर है, हम उसका रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद आपको एक वीडियो कर देंगे, ठीक है। सो ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक ही है, ये जो प्लास्टिक है वो HDPE हाई डेंसिटी पॉली इथिलीन का बना हुआ है। हाई डेंसिटी पॉली इथिलीन कहाँ पे यूज़ होता है? वो फ्रूट गेट से एक लेयर नीचे का है, ठीक है। वो बहुत सारी जगह पे जो कंटेनर होता है उसमें HDPE पॉलीमर यूज़ किया, पॉली इथिलीन यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल आते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। सो वही मटेरियल यहाँ पर भी यूज़ किया गया है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि इसका GSM कितना है। GSM आपको दिखाता है कि ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। मतलब इसका डेंसिटी कितना है, ये जो मटेरियल से बना है ना, पर स्क्वायर मीटर में उसका डेंसिटी कितना है। डेंसिटी के ऊपर इसका जो लॉन्जिविटी है, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कितना वेट ले सकता है, वो सभी निर्भर करता है कि पर स्क्वायर मीटर में इस मटेरियल का डेंसिटी कितना है, कितना लोड सहन कर सकता है, ठीक है। ये जो सारे आप चीज़ देख रहे हो ना, ये 250 के हैं। ये सबसे बढ़िया GSM क्वालिटी का बैग्स है, ठीक है। उसके नीचे भी अवेलेबल है, 200 से लेके 250 तक अवेलेबल है। पर थोड़ा सा अगर प्राइस से आपको झिझक है तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 250 से नीचे चले जाएंगे। पर अगर इन्वेस्ट आप कर ही रहे हो कि गार्डन के लिए, बेस्ट क्वालिटी का चीज़ लीजिए, वो भी बेस्ट प्राइस में, ठीक है। तो उसके लिए 250 ही लेंगे आप, जब भी लेंगे तो 250 के बा उससे ऊपर का लेंगे, ठीक। सो ये दो पैरामीटर्स मेन है, आप कहीं से भी ग्रो बैग खरीदते हो तो उसके लिए, ठीक। इसके बाद जो है कि मैं इसके ऊपर कुछ फ्रूट्स लाए हैं, मतलब फार्मिंग किया हूँ मैंने, मैं आपको बाद में दिखा दूँगा ये सब, ठीक है। उसके बाद अब जो क्वेश्चन आता है कि आप इसके यूज़ क्यों करेंगे, इस चीज़ को यूज़ क्यों करेंगे। आप गार्डनिंग के लिए या तो प्लास्टिक का पॉट यूज़ करते हो, नहीं तो क्ले का पॉट यूज़ करते हो। क्ले के पॉट के अंदर आप मिट्टी देते हो, उसके बाद उसको लाइट वेट करने के लिए आप रेत नहीं तो कोकोपीट मिलाते हो। अगर उसका जो रेशियो है बिगड़ जाता है तो प्लांट का डैमेज होता है, प्लांट डैमेज हो जाता है, ठीक है। उसका सोल्यूशन के लिए हम लोग ने प्रोटीन मिक्स भी बना चुका है, ठीक है। आप हमसे प्रोटीन मिक्स भी ले सकते हो, नहीं तो आप प्रोटीन मिक्स का जो रॉ मटेरियल होता है वो भी हमसे खरीद सकते हो। उसके बाद आप अकॉर्डिंगली आपका जो चॉइस है प्लांट के हिसाब से आप भी बना सकते हो, ठीक है। पर हम लोगों के पास अच्छे क्वालिटी का टेस्टेड वो भी कम प्राइस में अवेलेबल है प्रोटीन मिक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यह होता है कि अगर समझ लीजिए कि इस साइज़ का आपको क्लेप का पॉट लेना पड़ेगा और प्लास्टिक का पॉट लेना पड़ेगा, तो मैं एक एक करके बताऊं। तो अगर इस साइज़ का भी आपको क्ले का पॉट मिलता है तो इतना बड़ा का मतलब इसका जो समझ लीजिए कि ये जो यूनिफॉर्मिटी है ना, कि पूरा का पूरा एक यूनिफॉर्मिटी में आता है। क्ले के हिसाब से वो नहीं होता, क्ले के नीचे जो है ना वो थोड़ा सा संकुचित हो जाता है, ठीक है। उस पर प्रॉब्लम क्या होता है कि जो रूट है वो इक्वली फैल नहीं सकता, पर इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, रूट इक्वली यहाँ पे फैलेगा, ठीक है। सेकेंडली उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप रूफ टॉप गार्डनिंग करते हो, आप बैल्कनी में हो, वहाँ पे आप ज़्यादा लोड नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि जो घर का बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ये परफेक्ट है, मतलब ये बहुत ही बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और जो है प्लास्टिक के लिए भी, मतलब आप इस साइज़ का जो आप प्लास्टिक का पॉट खरीदोगे उसका जो प्राइस आएगा उसके हाफ प्राइस में आप इसको खरीद सकते हो, मतलब इन सभी को खरीद सकते हो, ठीक है, हाफ प्राइस में मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है कि क्ले पॉट पानी सोखता है और उसके बाद 1 से 1.5 साल के अंदर वो क्रैक हो जाता है, नहीं तो टूट जाता है। प्लास्टिक का जो पॉट होता है उसका भी एक ही प्रॉब्लम है, वो
आपका 2.5 या 3 साल के अंदर अंदर डैमेज हो, पर इसका जो लाइफ टाइम है ना वो मिनिमम 5 ईयर्स है। मतलब 5 ईयर्स तक ये अच्छा से चलेगा, कुछ भी आप कर लीजिए अच्छा से चलेगा, जला मत दीजिएगा बस उतना ही ठीक है, नहीं तो धूप फूप सब झेल लेगा। वो जो चीज़ें हैं वो धूप से उनको प्रॉब्लम होता है, सो मतलब प्लास्टिक जो है अगर वो धूप को सोखते तो नरम हो जाता है, फट जाता है, इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जितना इसका हीट चाहिए वो अब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद बाकी जो है उसे रिफ्लेक्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये डबल लेयर का कोटिंग दिया हुआ है, उसके ऊपर कलर किया गया है, डबल लेयर का कोटिंग है उसके अंदर इसको कलर किया गया है, सो ग्लॉसी कलर से कलर किया है कि ज़्यादातर जो इसका हीट कैपेसिटी है वो इसके एब्जॉर्ब करे और बाकी रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। उसके बाद जो है कि ज़्यादातर पॉट में नीचे एक ही छेद होता है, होल होता है, उससे ही पानी को आउटलेट होगा। यहाँ पे एक है, इसका चारों तरफ है, इसका भी चारों तरफ है, इससे क्या होता है पानी का जो लीचिंग है वो ईजिली होता है, रूट को कोई डैमेज नहीं होता, रूट सड़ने का कोई चांसेस ही नहीं रहता यहाँ पे, ठीक है। एयरेशन भी परफेक्ट होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर के अब देखिएगा कि थोड़ा सा ऊपर के ऊपर से है ये, सो एयरेशन का भी हेल्प करता है, अगर रूट में अगर अच्छे से एयर पहुँचेगा तो प्लांट ग्रोथ अच्छा होगा। सो ये जो बेनिफिट मैंने आपको बताया कि कम से कम 5 साल तक ये चल जाएगा, ये HDPE पॉलीमर से बना हुआ है, उसके बाद इसका GSM 250 है, साइड में बॉर्डर किया गया है, डबल लेयर है, उसके अंदर ऊपर इसको लाइट प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब सनलाइट प्रोटेक्ट करने के लिए इसको दिया गया है एक कोटिंग, ठीक, ये सब कुछ बेनिफिट है जो आप दूसरा कोई मटेरियल में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसका जो प्राइस है वो भी बहुत कम है अगर आप हमसे खरीदते हो, ठीक है, बहुत ही, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 10 है। और इसके बाद भी और भी कुछ है कि आप प्लास्टिक और क्ले के पॉट को ना ऐसे आप फोल्ड नहीं कर सकते, आप ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते, ऐसा फोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे फोल्ड करके आप किसी को गिफ्ट नहीं दे सकोगे, कहीं पे ले भी नहीं जा सकोगे, क्योंकि वो स्पेस एक्वायर करेगा, तो 8-10 पट मिट्टी का प्लास्टिक करने के लिए आपको पहले तो किसी को लाना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी को हायर करना पड़ेगा, और ये ऐसे बाहर मतलब फोल्ड करके आप कहीं पर भी चल जा सकते हो, सारे के सारे इसको तो भी आप इजीली फोल्ड कर सकते हो, ठीक, इसको भी आप सारे के सारे चीज़ों से उसको आपका आप फोल्ड कर सकते हो। सो ये अपकमिंग जो मार्केट है वो बहुत हाई है, क्योंकि इतना बेनिफिट कहीं पर नहीं मिलेगा, प्लास्टिक का जो क्वालिटी है, इसका जो लॉन्गिविटी है, ये सब निर्भर करता है इसका जो प्राइस है उसके ऊपर, और वो बहुत ही कम है, मतलब तो प्राइस बहुत ही कम है, आप इजीली से परचेस कर सकते हो और गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो आपको गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको प्लांट चाहिए, आपको सॉयल मिक्स चाहिए, नहीं तो सॉयल और खाद चाहिए, उसके बाद आपको पानी चाहिए, उसके बाद आपको पॉट चाहिए प्लांटिंग करने के लिए, पॉट जो है वो आप यहाँ से मिल जाएगा, प्रोटीन मिक्स विद खाद जो हम बनाते हैं वो भी मिल जाएगा, देसी सीड्स वो भी मिल जाएगा, सिर्फ पानी आपका घर का जाता है। सो यहाँ तक कि जो पानी आप यूज़ करोगे गार्डन के लिए, जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है वो उसमें बहुत ही कम पानी लगता है, ठीक है। सो आपका जो कुछ भी चाहिए पूरा एक कंप्लीट पैकेज AP स्मार्ट फार्मिंग, एग्रोकल्चर स्मार्ट फार्मिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप यहाँ से ऑर्डर करो और घर में गार्डनिंग स्टार्ट कर दो, अर्बन गार्डनिंग, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर, कुछ भी करना है आप स्टार्ट कर दो, डेकोरेटिव प्लांट्स कुछ भी स्टार्ट कर दो। और ये सबसे बढ़िया कि एक ही चीज़ है कि अगर आप प्लास्टिक के पॉट और क्ले के पॉट को उठाने जाओगे ना तो वो हेवी होता है और आपके चोट लगने के चांसेस भी हाई होते हैं, कमर पे, हाथ पे, इस पे वो झंझट है ही नहीं, ईजिली ऐसे पकड़ो, आप ऐसे पकड़िए और ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक। सो इतना बेनिफिट मिल रहा है एक चीज़ के ऊपर, आने वाले समय में इसका डिमांड बहुत बढ़ेगा, देख लीजिए ये सब चीज़ें मैंने किया है इसके अंदर, ग्रो बैग के अंदर, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर भी है, टमाटर हुआ है, कैप्सिकम हुआ है, ये सारे के सारे जो है ग्रो बैग के ऊपर लगाया गया है, ठीक है।